श्रीनगर में अज्ञात आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। इंडियन नेवी के नाम एक और सफलता, पांचवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस वागीर लॉन्च समंदर में और बढ़ेगी भारत की ताकत। जम्मू कश्मीर के बांगीपुरा और सुबुल में सेना ने ग्राम मेले का आयोजन किया। स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और किसानों के सामान को मिल रही है पहचान। आयुर्वेद दिवस पर आज जयपुर और जामनगर में आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 21वीं सदी में आयुर्वेद की प्रगति और विकास में विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की उम्मीद। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस ने न्यूक्लियर कमांड बंकर का निर्माण करीब करीब पूरा किया। कमांड सेंटर की मदद से करीब 6375 परमाणु बमों को नियंत्रित और सुरक्षित रख सकता है रूस। यमन ताओ में बना है न्यूक्लियर कमांड बंकर। दुनिया के कई देशों को भारत बेचेगा ब्रह्मोस मिसाइल। अगले साल तक फिलीपींस को भारत देगा ब्रह्मोस। कई और देशों ने भी खरीदने में दिखाई है दिलचस्पी। भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से तैयार हुई है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। मिसाइल को सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। बिहार में आज एनडीए की होगी अहम बैठक। बैठक में सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने कोई भी दावा मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं किया, इसलिए पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की बैठक में ही सीएम का नाम तय होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कार्यकर्ताओं का जताया आभार, जेडीयू विधायकों और पार्टी नेताओं से मुलाकात। बिहार नतीजों पर बोले तेजस्वी यादव, चुनाव आयोग ने नतीजा एनडीए के पक्ष में दिया लेकिन जनता का फैसला हमारे पक्ष में आया। बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में आई। चिराग पासवान छठ पूजा के बाद बिहार में निकालेंगे यात्रा। इस दौरान वो बिहार के सभी जिलों में जाकर जनता का धन्यवाद करेंगे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।